तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग में होम मेनू बार को। हम बात करेंगे आज कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड के बारे में, जो कि हमारी सबसे शुरुआती जरूरत है और सबसे शुरुआती एक्सेल में हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दी है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक्सेल फाइल ओपन करता हूं। कॉपी पेस्ट जो है हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि तो दिन में हमें हर समझिए कि दूसरे तीसरे मिनट कॉपी पेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो कॉपी पेस्ट तो जनरली आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। हम बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल की। जी हाँ, पेस्ट स्पेशल। छोटा सा डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैंने इस डेटा को फॉर्मेट कर दिया है और साथ में मैं यहां पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ताकि मुझे रैंडम नंबर मिल जाए और हमारा फॉर्मूला इस तरह से ऑटोमेट हो जाए। अब मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरा फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर है, टेक्स्ट है, फॉर्मूला। जब मैं इसको कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करता हूँ, तो जैसा है उसी तरीके के जैसा पेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें इसका कुछ पार्ट पेस्ट करना है, मतलब पूरी की पूरी डेटा को पेस्ट नहीं करना है, इसके कुछ पार्ट को पेस्ट करना है। उस चीज के लिए हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, ये आइकन सारे पेस्ट स्पेशल के ही हैं, तो ये आपको मैं समझाता हूं। उससे पहले हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल वाले पॉपअप पे। तो क्या क्या पेस्ट कर सकते हैं आप इसमें से? कंप्लीट डेटा पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, कॉलम विड्थ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको कॉपी किया और जहां पेस्ट करना है, चाहे वो सेम शीट हो या अनदर शीट हो या अनदर फाइल हो, जाते हैं हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल यूज कर सकते हैं। और यहां पे अगर आपने ऑल सिलेक्ट करके ओके किया, तो जैसा डेटा है उसी तरह का पेस्ट होगा, सेम टू सेम। जब लोग कॉपी पेस्ट हम करते हैं जनरली, लेकिन अगर मैंने इसमें पेस्ट स्पेशल में मैंने यहां पे फॉर्मूला किया एंड ओके किया, अब यहां पे नंबर चेंज हो रहा होगा। तो नंबर चेंज हो रहा है तो रैम बिटवीन हमेशा नंबर चेंज करता है, तो इसको आप उतना गौर मत कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए इसको कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल अगर मैंने यहां पे किया पेस्ट एज ए फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल, एक मिनट, कॉपी करते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मूला। लगा कोई प्रोग्रामिंग लगा हुआ है। एक मिनट दीजिए, कॉपी किया और यहां हम राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मूला करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि फॉर्मूला आपने पेस्ट किया, आप कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर यहां पे तो ऊपर आप देख रहे हैं तो जैन फेब मार्च हमारा टेक्स्ट में, ये हमारा टेक्स्ट में है, बट यहां पे टेक्स्ट नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। मतलब फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि जिस सेल में फॉर्मूला है उसी सेल को पेस्ट करेगा। फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करेगा। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर नेम पे तो फॉर्मूला नहीं है तो क्यों पेस्ट किया, तो सीधे फॉर्मूला बार को उठाता है और कॉपी करके पेस्ट कर देता है। लेकिन कभी कभी वो फॉर्मूला नहीं चाहिए होता है, हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट करके ओके करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हट जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कॉपी करके कहीं और नहीं पेस्ट करना चाहते हैं,
हम चाहते हैं मेरा फॉर्मूला रिमूव हो जाए। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे हर बार नया नंबर दे रहा है, देखिए हर बार नया नंबर दे रहा है। तो मैं इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट वैल्यू नहीं करना चाहता, मैं इसी का फॉर्मूला हटाना चाहता हूं कि 31 हटके 31 इसकी वैल्यू आ जाए। इसको कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यूज कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यूज। एक क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे रैंड बिटवीन न्यूमेरिक के लिए होता है कि उसमें कैरेक्टर को भी हम कर सकते हैं? नहीं, न्यूमेरिक कैरेक्टर का दूसरा तरीका हम बताएंगे। ओके। और एक और, जैसे रैंड बिटवीन में जैसे रैंडम नंबर से आ जाते हैं, हम क्या उसमें लिस्ट में डाल के वो स्पेसिफिक नंबर को भी शफल कर सकते हैं? नहीं। ओके। रैंड बिटवीन रैंडम होता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, इसका जो यूज है काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे कि अगर हम ओपन करते हैं एक नई रिपोर्ट फाइल, मान लीजिए अभी एक रिपोर्ट फाइल में ओपन कर रहा हूं, ये रहा परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कस्टमर केयर। तो क्या होता है कि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो एक डेटा से लिंक होता है, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे सिस्टम पे यहाँ फॉर्मूला कंट्रोल और जो फॉर्मूले और जो फॉर्मूले लगे हैं वो तो वर्क कर रहा है। अब रिपोर्ट मुझे मान लीजिए शुभम जी को मेल करना है, तो डेटा मैं उनको नहीं दे सकता। इसके पीछे रीजन है कि डेटा देने से फाइल काफी बड़ी हो जाएगी, जब फाइल में भेजना शुरू करूंगा तो काफी सिस्टम हैंग करेगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, दूसरी प्रॉब्लम इसमें है कि डेटा सिक्योरिटी है, इसलिए हम नहीं भेज सकते, हम जस्ट रिपोर्ट भेज सकते। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने सीट पे राइट क्लिक किया और यहां से मूव एंड कॉपी कर लिया, क्रिएट कॉपी, और एक नई वर्कबुक में मैंने इसको कर लिया। अब मेरे सिस्टम पे रिपोर्ट दिख रहा है, एक नया फाइल बुक वन बन गया, मेरे सिस्टम में सारा रिपोर्ट दिख रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कंट्रोल सीट F13 है, बट आपके सिस्टम पे तो नहीं होगा ना। आपके सिस्टम पे तो चीजें नहीं होगी क्या सर? हाँ बिल्कुल, वो एरर दे देगा, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम चाहते हैं फॉर्मूला रिमूव हो जाए। तो क्या है कि एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि कहीं पे फॉर्मूला है कहीं नहीं है, एक एक पेस्ट करेंगे तो काफी टाइम लेगा। ठीक, वन और ए के बीच में ट्रायंगल पे पूरी सीट कॉपी करूंगा और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यू करूंगा। तो पेस्ट वैल्यू सिर्फ हमारा वैल्यू पे वर्क करता है, हमारे ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता है। इससे क्या होगा कि हमारा चार्ट वर्ड जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या। कई बार देखा है कि वो चार्ट के ना कलर चेंज हो जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा, इससे चेंज हो जाते होंगे। ठीक है, डिफॉल्ट फॉर्मेट होता होगा जो कि डेटा लिंक से होता होगा, इसे टेबल से लिंक होगा, उसका आंसर हो जाता है। मैंने क्या देखा, मैं अगर एक्सेल में कोई चार्ट है उसको पीपीटी में पेस्ट स्पेशल करता हूँ तो कई बार यही क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए क्योंकि जो कलर कोड है, जो डिजाइन आपने यूज किया होगा वो पीपीटी को सपोर्ट ना करता होगा। अच्छा, समझ गए ना, तो वहां पे जाते हैं और डिफॉल्ट डाल देता होगा। जैसे कि बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे डिजाइन्स हैं, बहुत सारे थीम हैं जो कि एक्सेल में है, पीपीटी में अवेलेबल नहीं है। पेस्ट एज ए वैल्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम इसका यूज ज्यादा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है पे कॉपी करके पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम कर देते हैं यहीं पे
फॉर्मेट। फॉर्मेट करने से क्या होता है कि जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है, फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है, ठीक है, डेटा वह पेस्ट होता है फॉर्मेट से। कमेंट एंड नोट्स, अब कमेंट क्या होता है कि किसी भी सेल से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे मार्च आपको दिख रहा है, तो अगर मैंने यहां पे एक नोट लगा दी, यहां पे न्यू कमेंट लगा दिया 2020 क्वार्टर वन टोटल, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमेशा नहीं दिखेगी, कब दिखेगी, जब इसमें मैं कर्सर जाएगा। अब मान लीजिए क्या बोलना है, उसमें हम डिस्प्ले भी तो कर सकते हैं ना, एक ऑप्शन आता है कमेंट विजिबल रहता है। हाँ, तो वो डिस्प्ले आप कर देंगे तो डिस्प्ले हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन फिर आप यहाँ लिख दे क्या, क्योंकि कमेंट और डिस्प्ले होगा तो कितना एरिया कैप्चर कर रहा है, दिख रहा है आपको सर, उससे अच्छा है कि आप यहीं पे टाइप कर दीजिए ना। क्या होता है उसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, यूजर जब चाहे तो उसको देख सके, जैसे कि होता है कि आपका प्राइस ये होगा 5000 और स्टार लगा देता है, इसका मतलब क्या हुआ, टर्म एंड कंडीशन, और बड़ी छोटे अक्षर में स्टार के वाले में लिखता है जो भी कंडीशन डाल दिया जाता है। तो ये स्टार समझिए कि जब हमें जरूरत हो, जिसको जरूरत होगा स्टार के बारे में जानने की, वो या नीचे अपना टर्म कंडीशन को देखेगा, शायद 5% से भी कम लोग इस चीज को देखते हैं। जैसे कमेंट पे जो भी कर्सर ले जाएगा, जिसको देखना होगा कर्सर ले जाके देख लेगा, तो मुझे इस कमेंट को पेस्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें कमेंट्स एंड नोट्स को सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा कमेंट एंड नोट्स को, हो गया। ओके, तो कमेंट एंड नोट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई डाउट है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स एंड नोट्स के बाद हम अगला जो ऑप्शन हम देखते हैं उस पर चलते हैं। हम इसको कभी कभी क्या होता है कि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए होता है, तो पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर यूज कर लेते हैं। उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने डेटा को डबल क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक करने से क्या होता है, स्टिफाई फिट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम कॉपी करके किसी और सीट पे पेस्ट करेंगे तो आपका फॉन्ट, जो फॉन्ट का साइज का फिल कॉलम विड्थ है, वो फिल के साइज आपको पेस्ट नहीं होगा। तो हम इसका फिल को सेटिंग क्यों करते हैं, ताकि वो एक पेज पे प्रिंट हो, एक विंडो पे दिखे, लेकिन जब इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं और तो थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है, सेटिंग करना होता है। तो आप चाहते हो दोबारा को हो तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम विड्थ पेस्ट कर सकते हैं, पर जब कॉलम विड्थ आप करते हैं तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, न कि डेटा, डेटा के लिए आपको दोबारा से पेश करना हो, ओके? यहां पे एक चीज और आता है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो तो आप आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आइकन होता है, ये आपका आइकन दिख रहा है, कीप सोर्स। देखो आइकन के बारे में जान लेते हैं, आइकन आपको यहां भी मिलता है, राइट क्लिक करके मिलता है, ये आपका आपका क्या है, पेस्ट है, नॉर्मल पेस्ट, ये आपका आता है पेस्ट फॉर्मूला, ये आता है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये आता है कीप फॉर्मेटिंग,
ये आता है एक्सटेक्ट बॉर्डर, ये आता है कॉलम विड्थ, ये आता है आपका ट्रांसपोज, ये आता है वैल्यू नंबर फॉर्मेट और जस्ट नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। और इसके बाद आपके यहाँ पे आता है अदर पेस्ट ऑप्शन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं एक और प्रॉब्लम जो कि हमारे साथ होती है, कभी डेट डेट को पेस्ट वैल्यू किया है सुमन जी आपने? वो हाँ, वो फिर वो वाली न्यूमेरिक डेट हो जाती है, उसको हम जो एक्सेल डेट बोलते हैं, एक्सेल डेट बोलते हैं, सर एक कॉपी करते हैं, पेस्ट वैल्यू किया, तो ये आपका मान लीजिए कि वैल्यू करने से नंबर रहता है, नंबर हाँ, ये अब ये 1960 से आज कितने दिन हो गए नंबर ऑफ डेज बताता है। जी हाँ जी हाँ, मतलब कि जब सिस्टम जो है अपने पास जो डेट स्टोर रखता है वो नंबर ऑफ डेज में रखता है, जैसे कि मान लीजिए कि दिया मतलब एक दिन कंप्यूटर कैलेंडर का एक दिन कौन सा, फर्स्ट जैन 1900, अगर आप यहाँ से डेट का फॉर्मेट डालते हैं तो यहाँ दिखेगा फर्स्ट जैन 1900, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 43952 करते हैं तो एक मई, तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि ये हटता क्यों है, उससे पहले ऐसी सिस्टम की गई है, क्यों की गई है, वो नॉर्मल रहने देता, ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम का इसका स्प्रेडशीट कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया तो इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, समझ गया? हाँ जी, क्योंकि इस पे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो नंबर्स हैं खाली, क्योंकि ये दिख रहा है आपको एक मई, लेकिन एक्चुअल में क्या है 43992 है, ये विजिबिलिटी चेंज कर रहा है, दिखावा कर रहा है जब कॉपी, तो इसमें क्या होता है डेट का, इस तरह का दिखावा क्या होता है डेट का फॉर्मेट होता है। एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू बोलता है रिमूव ऑल फॉर्मेट, डेट का जो यहां से हमने फॉर्मेट अप्लाई किया था वो भी फॉर्मेट था तो उसको भी रिमूव कर देता है, सो फिर दोबारा इस पे आपको डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पेस्ट एज ए वैल्यू करते समय आप वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला करते समय फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट चूज कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाकी आपकी फॉर्मेटिंग फॉर्मूला चीजें नहीं आएगी, लेकिन आपका जो नंबर का फॉर्मेट है वो आएगा, मतलब कि दोबारा आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके यहां से डेट का फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा, यानी ऊपर जो आपने लेते हैं यहां से वो ना करना पड़ेगा। एक और ध्यान रखें कि नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ डेट का नहीं है, ये जो जितने भी कैटेगरी दिख रहे हैं सारे की बात, चाहे वो नंबर फॉर्मेट हो, टेक्स्ट हो या और भी चीजें हो, समझ गए? हाँ जी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगला टॉपिक आता है, वो आता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अच्छा एक चीज पूछनी थी, मैं वैसे आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप मेरे को डेट्स की फॉर्मेटिंग वगैरह आप अगले क्लास में आगे क्लास में थोड़ा समझाएंगे। अभी मैं यही पे हूँ ना, फॉर्मेटिंग मतलब इधर है ना सर, बस यही क्लियर करना, सीक्वेंस चलते हैं ताकि आपको पता। हाँ हाँ हाँ, मैं बस वही डाउट था इसलिए मैंने पूछ लिया कि आप आगे लेंगे तो मैं फिर वो जैसे कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 है, अब मैं 20 की कॉपी करके 30 पे पेस्ट करता हूँ तो रिप्लेस हो जाता है क्या? लेकिन मैं अगर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में गया और यहाँ पे हमारे सामने आता है, वो आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन में अगर मैंने ऐड कर दिया इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल होगा और रिजल्ट यहां पे पेस्ट होगा, मतलब कि यहां देखेंगे तो आपको 40 पेस्ट होगा,
समझ गए? मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 30 दिया और यहाँ पे 20 दिया, अगर 30 को उठाया 20 के ऊपर पेस्ट किया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा। सुमन जी आपको समझ में आ रहा है ना? पूनम जी आपको समझ में आ रहा है? मतलब से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इसलिए पूछ रहा था। आप मुझसे पूछ रहे हैं? सोनम जी है, समझ आ रहा है, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है इसलिए। एक्चुअली म्यूट म्यूट लगा हुआ था, वो हट नहीं जाता, उसे चेक कर रही थी कैसे हटेगा। तो यहाँ अगर हम दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होके रिजल्ट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कि जहां से हम कॉपी करते हैं और जहां पे हम पेस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट होगा। जैसे कि मल्टीप्लाई मैंने किया तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ये बैकग्राउंड में दिखता भी है पर अगर ऐसा पेस्ट कर दिया तो सामने वाले को तो समझ में नहीं आएगा ये नंबर यहाँ कैसे आया। हाँ तो यही तो बात है कि इसकी एक अलग अपनी जरूरत है, मतलब कि एक अलग टाइम पे इसका यूज किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इससे अपने ऑफिस में या किसी तरह का एक यूज बताना है, एक से दो यूज, कि हम अगर इस फीचर को इस तरह से यूज करेंगे तो हमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ये आपका इस वीकेंड का रिसर्च है, इस रिसर्च को कीजिए और भेजिए। फिर अगली क्लास हम लेंगे तो हम अपना जो मैंने जो यूज किया है वो आपको हम समझाएंगे।